गेस्ट को यहाँ पर लेके आए, इससे बहुत सारी जानकारी हम लोगों को मिलती है कि ये साड़ी का ट्रेडिशन या ये साड़ी की जो कला है वो कैसे बनी जाती है. बिकॉज इट्स सो ईजी टू लुक एट अ साड़ी एंड से इट्स ब्यूटिफुल, पर जो मेहनत इसके पीछे है दैट इज़ द रियल ट्रू वैल्यू ऑफ द साड़ी. तब जब वो वैल्यू आप जानते हो, पहचानते हो, और फिर वो कारीगर का ये जो कारीगरी है वो आप पहनते हो, तो उसका मज़ा कुछ और होता है. बिकॉज यू नो दैट यू वॉन्ट ओनली द बेस्ट एंड यू नो द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क दैट इज़ गॉन बिहाइंड दिस. आई रियली अप्रिशिएट श्रद्धा जी फॉर टेकिंग दिस ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ महाराष्ट्र फॉरवर्ड. उनको एनकरेज करने के लिए ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है. और जैसे मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे ये चीज़ डाली, तब वाकई मुझे बहुत अचरज हुआ कि इतने सारे लोग उन्होंने कांटेक्ट किया और कहने लगे कि जी हाँ, हमको एक्चुअल पैटनी साड़ी ख़रीदनी है और हम डेफिनेटली यहाँ पर आएंगे. सो आई थिंक दिस अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म. थैंक यू सो मच. से प्रदेश में जाके या बहुत सारे अभी फंक्शंस में सब लोग गाउन पहनते हैं, लेकिन हम ये बोलते हैं कि जब हम US जाते हैं या लंदन जाते हैं, वहाँ पे जो इंट्रिकेट हैंडवर्क होता है उसकी जो प्राइसिंग होती है या क्वालिटी या इफ़ेक्ट होता है वो कई मतलब प्राइसलेस होता है, इतना एक्सपेंसिव होता है. और ये सारी कलाएँ हमारे देश में हैं, हम उन्हें बस एनकरेज नहीं करते, हम उनकी वैल्यू नहीं समझते. तो अगर किसी को वहाँ पे ये बताया जाए कि एक एक धागा ऐसे बुना जाता है, वन वीव वन साड़ी टेक्स क्लोज टू 5-7 months टू बी मेड, अगर वो चीज़ उस हिसाब से उन्हें कहा जाए तो आई थिंक दिस काम कर रही हैं. दरअसल हैंडलूम से मेरा लगाव बचपन से ही है, क्योंकि मेरी मामी शौकत कहती हैंडलूम को बहुत पसंद करती थी और उसके लिए बहुत इज्जत मेरे दिल में पैदा की है. बहुत साल पहले मैंने श्याम बेनेगल की एक फ़िल्म की थी सुसमन, जिसमें ओमपुरी बीवर बने थे और मैं उनकी बीवी. और उस ज़माने में ये देखा जाता था कि जो औरतें हैं वो सिर्फ जो छोटा काम है वो करती थी, एक्चुअल वीविंग औरतें नहीं करती थी. तो जो डाई करना है या स्पिंडल्स बनाना है, ये जो साइड काम जिसको कहते हैं, वो औरतें करती थी. और तब से मैं कह रही थी कि क्यों सिर्फ मर्द ही क्यों वीविंग करते हैं, औरतें क्यों नहीं कर सकती. और आज मैंने ये देखा कि ये औरतें कर रही हैं, तो मुझे ज़्यादातर इस बात की बहुत खुशी हुई. मुझे ऐसा लगता है कि जब हम हिंदुस्तान की ताकत की बात करते हैं, तो जो ताकत हमारे में सचमुच बहुत कूट कूट के है वो है हमारा जो हाथ का जो काम है. और हैंडलूम आप देखें तो बस ये हिंदुस्तान के कुछ इलाकों में रह गया है. मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी सभ्यता और हमारी कल्चर, हमारी ट्रेडिशन का एक इतना बड़ा हिस्सा है, और इसकी वजह से इतने सारे बुनकर हैं जिनको काम मिलता है, कि हम जो भी उनको सपोर्ट कर सकें वो हमको करना चाहिए. साड़ी काफ़ी बारीकी से देखने, मेरी सबसे फेवरेट साड़ी जो है वो है कांजीवरम. और कांजीवरम जो पुरानी कांजीवरम होती थी, जो कि जिसमें जरी नहीं था, मगर उसका बहुत अच्छा उसका कपड़ा था, और जो आप घर पे धो सकते थे. लोगों को ये पता नहीं है कि कांजीवरम एक्चुअली घर पे धो सकते हैं किसी सॉफ्ट शैम्पू में. आजकल जिस बात की मुझे बहुत परेशानी हो रही है, ये जो मिलावट आ गई है, और ये मिलावट में हम जो उसका जो फाइबर यूज़ कर रहे हैं वो चाइनीज़ यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी जो ओरिजिनल सॉफ्टनेस थी वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है. इसके ऊपर रोक लगाना चाहिए, क्योंकि ऑफ़ कोर्स चीज़ें सस्ती होनी चाहिए ताकि लोग उसको इस्तेमाल कर सकें.